बिना जी डम्मा डोल रहे जासे ओए वीर मरद दुख सुख के साथी डाक्या डोल रहे जासे उम्र पुरानी तेरे बिना जी डम्मा डोल रहे जासे ओए वीर मरद दुख सुख के साथी डाक्या डोल रहे जासे उम्र पुरानी तेरे बिना बताया कि उम्र पुरानी तेरे बिना जी डामा डोल रहे जासे वीर मरद दुख सुख के साथी डक्या डोल रहे जासे। पहली बात में कवि ने जिक्र करा कि किस प्रकार वीर मरद का आपसी प्रेम मेल जोड़ होना चाहिए, किस प्रकार से पहली बात में के लिखा कैसे हाय बीन बजा के रोक्या जा बीन बजा के रोक्या जा मन काला नाग पिटाने में पत्नी करे पति की सेवा रह के एक इशारे में आए गए की टहल करे हो इज्जत भाई सारे में बांध दई मर्याद मनु ने वीर मरद के बारे में जति सती का धर्म एक रे जति सती का धर्म एक रे अरे पूरा तोल रहे जासे तीर मर तुखे सुखे साथी डक्या डोल रहे जासे। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हर धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं भाई प्रशांत यादव उर्फ सन्नी भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आप धार्मिक कार्यक्रम में हर जगह हमें मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। एक बार प्रशांत भाई को जोरदार आशीर्वाद दे दीजिए, जोरदार। आइए बेटा बड़े युवा नेता आदरणीय प्रशांत यादव जी उर्फ सन्नी हमारे बीच में, इनका बार बार स्वागत है। दूसरी बात में कवि ने जिक्र करा न्यू बताया कि एक औरत कोई हमारी माता है बहने ध्यान से सुन ले, इनका लायक बात है। दूसरी बात में न्यू बताया है कि एक औरत को अपने पति का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, के इज्जत देनी चाहिए एक पतिव्रता स्त्री को। न्यू को ना अग भी करवा चौथ वाले दिन पां पूजली और दिन को डट तो अभी बताऊं सो जूते मारे न्यू नहीं होना चाहिए। दूसरी कली में बताया कि एक औरत को अपने पति की किस प्रकार से इज्जत करनी चाहिए, किस प्रकार से के लिखा दूसरी बात। और अपने क्षेत्र के बड़े पुराने सांगी हुए बड़े प्रसिद्ध सांगी राम कुमार खालेटिया जी, उनके शिष्य हमारे बीच में है सुखी राम जी, वो 100 रुपए से बच्चे का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक बात भी याद आ गई मेरे, वो एक बार एक आदमी के घराली रोज न्यू कन्यू को पिया जी ओ पति दे घनी मीठी बोले न्यू को पिया जी तेरे बिना मैं जी नहीं सकूर, तेरे तक घना प्यार करूं, तेरे बिना रोटियां का एक टूक भी ना तोड़ू। अब उसने सोची दिखा रांड की परीक्षा लेगा देख तू, माँ वो साढ़े दिन घर तक बाहर चला गया, घरवाली ने दाऊ गच्चू चूरमा बनाया दाऊ खीर बनाई, आन में जान बूझ के लेट हो गया। अरे लेट होकर के काम करा कर की जो चौखट होया कर चौखट दरवाजा उसमें टांग फंसा कर जीव काट कर न्यू उल्टा लटक गया जन उमर गया। अब घरवाली बाहर आई हाथ हूथ लगा के देखा नु कहे यो तो मर गया, नुक मर गया तो मर गया किसका क्या कर गया, चल खीर ठंडी हो रही है खा पी का बाहर आई आकर रोन लगी नु खाए रे बर्बाद होगी रांड होगी। अब वे पड़ोसी आ गए सुन के नु के हो गया नु मर गया नुक मर गया तो चल इसने फूक का होंगे। अब एक बोलिया भाई इसकी टांग जो है इसकी टांग चौखट में ही डाल फंस रही है के तो यो चौखट पाड़ी जा अरे के इसकी टांग काटी जा। वो लुगाई बोली नु को सियाना चौखट कुण लगवा होगा टांगा नहीं कतर दे।
अरे लटके लटके सोचन ग्रांड करेगी काम छोड़ दे कोने। अब इतनी देर में एक शाना सा बूढ़ा था, वो बोला रे तेरा पति था, तेरे अध्यंग का साजी था, यो तो मर गया। पर के बेरा इसकी आत्मा सुनती हो? इस तक कान में प्यार के दो बोल तो बतला ले। बोली जाऊं सुजा का कान में नुको पिया जी। ओ पति देव आप तो चले गए, कुछ हमारी तरफ भी लखो। आप तो चले गए, कुछ हमारी तरफ भी लखो। और वो कौन समर रहा था काट कटांगो कसीदा नु खीर तो खागी लपालप थोड़ो चूरमो भी चखो। इसी पतिव्रता नहीं होनी चाहिए। दूसरी कली में बताया कि एक औरत किसी होनी चाहिए के दर्शाया क्यों ए, 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 ए। पति बाहर ते आवे सती ने, पति बाहर ते आवे सती ने, शीश झुकाना चाहिए अपने पति की शकल देख के फिर तले लखाना चाहिए। अंतर मन बुद्धि वाणी ते ध्यान जमाना चाहिए। जीम झूठ के पति चला जा फिर पाछे खाना चाहिए। फिर ब्याहले सजन के दोरे पदमनी, ब्याहले सजन के दोरे पदमनी, अरे जक्या जोड़ रहे जासे ए पीर मर दुख सुख साकी डाका डोल रहे जासे। उमर पुरानी तेरे बिना हरी हरी चुड़िया गोरी है कलैया तुला दे मुझे हरी हरी चुड़िया। अपना बना ले मुझे पालवा गोरी है कलैया। बड़े बुजुर्ग नु कह दिया करे नु बेटा समाज में तीन चार चीज है जो पूरी उम्र से देंगी दुख देंगी। कौन कौन सी? छोटी बेली खेत में गैली, दारू की थैली और राम रहीमर की चेली। सारी उम्र से देंगी ये गणी माता वाण चक्कर मारी है कई जावंगी बाबा दो रहे। ओ बाबा संकट काट दो बाबा, आप जेल में पड़े मच्छर मार रहे तारे कितना संकट काटेंगे। गणी लुगाई चक्कर मारी है वे बाबा भी जोर के कसूते हैं, वे भी न्यू कहेंगे न्यू का तन मन धन सब की में बाबा का अर्पण करते हो। लेकिन कविया ने बताया भाई जो तन है वो पति खातर, धन है दान करण खातर, और मन जो है भगवान की भक्ति करण खातर। बाबा न्यू का सारे मेरे चढ़ा दो। फिर भी जो मोड़ बांध कर ब्याह के लाया है तन भी उसका नहीं, मन भी उसका नहीं, धन भी उसका नहीं, फिर क्या बच गया? वो दौर है गणित चक्कर मारी है। एक और बात कह आगरा बड़े बुजुर्ग को बेटा ये समाज में तीन चार चीज है पूरी उम्र अजमा लियो किसे के भी काम नहीं आऊंगी। कौन कौन सी? आराम की कमाई, बाजी ओढ़ लुगाई, पुलिस और सिपाही और नेता बुरा ना मानियो जी, किसे के भी काम नहीं आऊ कोई अजमा लियो। इनकी तो मैं कहता नहीं गणखरे से नेता तुम देखते हो गए वोट पड़न तो पहले और डाल का मुंह पा होगा बेचारा सा, अर पढ़ते और डाल का बोलिया हो जाएगा। पहले तो गांव में वोट मांगना होगा कोई मिल जाओ सीधी पैर हम दून बाबा राम राम काका राम राम तेरा ही बालक सा ध्यान रखे। एक बार जीत जाओ फिर आगे गाड़ी पीछा गाड़ी आगे कमांडो पीछा कमांडो बीच में खुद धोला कुर्ता पजामा चोड़े हाथ पानी उचालता होगा जन दो दिन हो गए धार काटे सीधा चौपाट में। फिर तमने कोई काम पड़ जाओ मिलन जाओगे आगे संतरी खड़ा पाओगे उस तो बताओ जी बाबू जी फलाने फलाने काम तो न्यू न्यू आ रहे हैं हाँ क्या बस सोई फिर जाके पिछाने को ना फिर उन्हें न्यू बताओ जी फलाने काम में 1,00,000 रुपए की माला गाली थी फिर आठ हाथ लाओगा नहीं कोई जान पिछाड़ नहीं। तीसरी कली में कवि ने जिक्र कराया है कि न्यू कया करे भी पहले के टाइम में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ये 100-150 साल जिया करते। क्यों जिया करते? इनका सब काम का रोटेशन था, एक नेम कायदा कानून था। तीसरी बात में न्यू बताया कि इंसान को चार तरीके से जीना चाहिए।
कौन कौन से तरीके हैं ध्यान से सुन ला एक बार के दर्शाए। अरे 25 साल ब्रह्मचारी बनके, 25 साल ब्रह्मचारी बनके, दूर जिगर के मैल करे, 25 साल गृहस्थी बनके, साधु संत की टहल करे, 25 साल बने वानप्रस्थी, 25 साल बने वानप्रस्थी, दूर जगत के फैल करे, 25 साल बने सन्यासी, फिर सत्य लोक की सैर करे, आत्म रूप स्वरूप में मिल जा, आत्म रूप स्वरूप में मिल जा, उड़ खाली खोल रहे दासे, आपके बीच में सुनाऊंगा, जो बीच बीच में अच्छी लगती रहे ताली बजा के हौसला बढ़ाते रहना। हाँ पहले सुन लो एक बार, आइए। निर्भाग जाग, निर्भाग जाग निंद्रान त्याग, तू गहरी नींद में सो मत ना, हाय निर्भाग जाग निंद्रान त्याग, तू गहरी नींद में सो मत ना, बीत गई सो बीत गई, तू राम काटे वो मत ना, और रंग रूप धन माया देख के इतना पागल हो मत ना, रंग रूप धन माया देख के इतना पागल हो मत ना, रंग रूप धन माया देख के इतना पागल हो मत ना। आवेगा आवेगा बुढ़ापा बेरी लाग जा तेर दूनी लाग, आवेगा बुढ़ापा बेरी लाग जा तेरा दूनी लाग, पोते और पड़ोते आवे डले मार के जांगे बाज, पोते की बहु जाड़ पीसरी मौत के उड़ावे काग, सारा यो सारा कुणबा कहने लाग जा बुढ़लिए ने भावे आग, सारा कुणबा कहने लाग जा बुढ़लिए ने भावे आग, सुने की माने को ना उस आदमी का कीजे के, कहे सुने की माने को ना उस आदमी का कीजे के, कड़वाल भैंस ने कितना चराओ वादनी ने इजे के, और कितनी गहरी आग बाल लो अड़ग मूंग का सीजे के, और कितनी बढ़िया बीन बजा लो भैंस रांड का रिजे के, बेशक बेशक चोड़े मैं पड़ा रो रमू सड़का में मैं भिजे के, बेशक चोड़े मैं पड़ा रो रमू सड़का में मैं भिजे के, बेशक चोड़े मैं पड़ा रो रमू सड़का में मैं भिजे के। खानदान घर के मानस तम कुल का मान बढ़ाओ जी, खानदान घर के मानस थम कुल का मान बढ़ाओ जी, मात पिता और गुरु अपने की कदे ना कदर बढ़ाओ जी, मात पिता और गुरु अपने की कदे ना कदर घटाओ जी, और पहले पहले आली तरज गुरु जी फिर ते आप लगाओ जी, और पहले आली तरज गुरु जी फिर ते आप लगाओ जी, कल्डी दिल्ली का हाथ लगाए बेरा पाटे वस्तु करडी दिल्ली का, तेरे घर में सिर शू पड़ी रहे तू भाव पूछता तिल्ली का, और मुसे की जब पेश चले ना दाव बैठ जा बिल्ली का, तेरी गद्दी ठान में पड़ी रहे तू भाड़ा करता दिल्ली का, तेरी गद्दी ठान में पड़ी रहे तू भाड़ा करता दिल्ली।
सुनाऊंगा न्यू कया करा कोई कवि राग नहीं लिखता है अंतिम कली में निचोड़ कर देता है। न्यू लिखी कवि ना कि परमात्मा का भजन करना चाहिए, झूठा संसार झूठी मोह माया कोई किसे का कोना। आखिरी बात में निचोड़ करया कवि ना के लिखा के ऊपर यो मेरा बेटा यो मेरी बेटी या मेरी महल अटारी से, यो मेरा नाना यो मेरा मामा या मेरी महतारी से, अरे यो मेरा साला यो मेरा ससुरा या मेरी रिश्तेदारी से, आँख खोल के देख लियो सब मानस की बीमारी से, श्री मांगे राम सांझला कोल्हू मांगे राम सांझला कोल्हू, अरे घर घर छोल रहे जासे रहे जाते पुरानी तेरे बिना।